हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने। अक्सर लोग काले चने नहीं खाते, लेकिन आप इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये मैंने आधा किलो काले चने ले लिए हैं। इनको मैंने रात भर भिगोया है और फिर सुबह मैंने उबाल लिया है। और मैंने कढ़ाई ले ली है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। इसमें मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूँगी। इसको गर्म होने देंगे और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है। इनको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा प्याज। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मैं 2 टमाटर हैं और ये 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल दूंगी। इसको भी हम सॉफ्ट होने तक गलाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी इसमें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूंगी। अब थोड़ा सा पानी लगाएं, इसको भूनेंगे अच्छी तरह। मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है। साथ ही इसमें मैं बॉयल चने डाल दूंगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मैंने भुना है अच्छी तरह और तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। और साथ ही इसमें मैं 1 कप पानी लगा दूंगी। अब इसको मिक्स करके इस पर ढक्कन दे देंगे, ढांप के रख देंगे इसको। तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और 3-4 मिनट और पकाएंगे। ये देखो चने हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी और ये देखें कितने आसानी से और कितने मज़ेदार चने बने हैं। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।